हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास राजपूत एडवोकेट और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल इन्फो बाई विकास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चंडीगढ़ पंजाब में कोर्ट मैच करने का क्या प्रोसीजर है। अगर चंडीगढ़ पंजाब में कोर्ट मैच करें तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी। दोस्तों, चंडीगढ़ हाई कोर्ट का 2013 का ऑर्डर है कि अगर बिना फैमिली के मंदिर या गुरुद्वारे में शादी को विटनेस डे कराते हैं तो उसका मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। उस ऑर्डर का कारण यह है कि 2013 से पहले बहुत मेरे वकील बंधुओं ने अपने पास ही मंदिर का फर्जी सर्टिफिकेट और गुरुद्वारे ग्रंथी का फर्जी सर्टिफिकेट लगा लगा के मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराया और हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन भी करा दिया। जब जांच हुई तो सब गलत पाया गया। इसलिए अगर बिना फैमिली के आप मंदिर या गुरुद्वारे में वहाँ शादी करते हैं तो उस मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ना ही उसके ब्याह पर आप हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन करा सकते हैं, ना ही उसका रिलीफ आपको पुलिस थाने में मिलेगा, वहाँ से भी आपको पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा, दोस्तों, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप अपनी मैरिज का इजीली चंडीगढ़ में मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फैमिली एग्री है और आपको स्पाउस वीजा के लिए फाइल लगानी है कनाडा या और किसी कंट्री के लिए तो भी आप अपना चंडीगढ़ में मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तीसरा, अगर आप दोनों अलग कास्ट से हैं या अलग रिलीजन के हैं, फैमिली एग्री नहीं है, तो इस केस में आपका चंडीगढ़ या पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में मैरिज और कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको दिल्ली कोर्ट में आना होगा। दिल्ली में बहुत इजी प्रोसीजर है, यहाँ पे सेम डे में मैरिज हो जाती है और नेक्स्ट डे ही कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अगर आपको वन डे में ही कराना हो तो दिल्ली NCR नोएडा गाजियाबाद में सेम डे मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। इसके लिए भी मगर दोस्तों कुछ कंडीशन होती है जो एज पर लो आपको फुलफिल करनी होंगी, जिसके लिए गर्ल की एज 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, बॉय की एज 21 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए, दोनों के पास अपना एज और एड्रेस प्रूफ हो। एज प्रूफ के लिए 10th क्लास का मार्कशीट, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट्स हो तो वो आपके एज प्रूफ के लिए काम करेगा। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, इन 5-6 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो आपके एड्रेस प्रूफ के लिए काम करेगा। दूसरा, दोस्तों, कोर्ट मैरिज में दो विटनेस भी चाहिए होते हैं जिनकी एज 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। विटनेस में आप अपने रिलेटिव, पेरेंट्स या फ्रेंड्स, किसी को भी विटनेस बना सकते हैं। अगर आप इतनी दूर से चंडीगढ़ से किसी को अपने साथ नहीं ला सकते हैं तो आप दिल्ली में किसी से इंट्रोडक्शन कर करके आप अपना यहाँ पर विटनेस दिलवा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर होगा, यहाँ पे पहले दिन आपका आर्य समाज मैरिज हो जाएगा और नेक्स्ट डे कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और आपको इंस्टेंट ही कराना है तो वन डे में भी दिल्ली NCR कोर्ट से हो जाएगा। दूसरा, दोस्तों, कोर्ट जो यहाँ की आपको मैरिज सर्टिफिकेट इशू करेगी वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड होता है। आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर डिजिटली है। दूसरा, दोस्तों, अक्सर क्लाइंट्स के मन में ये सवाल होता है, अक्सर हमसे पूछा भी जाता है फ़ोन कॉल पर कि सर, हम दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं तो हमारी दिल्ली में शादी कैसे हो जाएगी। दोस्तों, कोर्ट मैरिज 3 जगह से कर सकते हैं, मैरिज रजिस्ट्रेशन 3 जगह से हो सकता है, या तो गर्ल वहाँ की रहने वाली हो, या बॉय वहाँ का रहने वाला हो, या फिर पैलेस ऑफ मैरिज यानी कि वेन्यू के ब्याह पर शादी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। आपका मैरिज दिल्ली NCR में परफॉर्म होगा इसलिए यहाँ की कोर्ट इसको रजिस्टर्ड कर लेगी। दिल्ली में नोटिस भिजवाने का या वेटिंग पीरियड का मैरिज रजिस्ट्रेशन में कोई प्रोसीजर नहीं है और आपका जो एड्रेस होगा वो आपके लोकल होम टाउन हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जहाँ के आप रहने वाले वहाँ का ही आएगा। आपको इसके लिए दिल्ली में कोई रेंट एग्रीमेंट या किसी लोकल गार्जियन की फिटनेस भी लाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे बहुत इजी प्रोसीजर है। अगर आप चाहें तो दिल्ली में वन डे में आकर, आप दिल्ली NCR में वन डे में आकर के आप अपना मैरिज करा सकते हैं। दूसरा, दोस्तों, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आजकल क्या हो रहा है, मैरिज के नाम पर एफिडेविट बनवा दिया जाता है, मैरिज का एग्रीमेंट करा दिया जाता है जिसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है। उससे ना ही आप पुलिस प्रोटेक्शन करा सकते हैं और ना ही उसके ब्याह पर आप स्पाउस वीजा के लिए फाइल लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में कोर्ट मैरिज करने का प्रोसीजर है। दूसरा, दोस्तों, अगर आप हमारे माध्यम से अपना कोर्ट मैरिज कराना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे 10 से 6 बजे के बीच। हमारे हेल्पलाइन नंबर 8287878840 पर, या कोर्ट मैरिज की और किसी क्वेरी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।